हालेलुया। आइए हम सब मिलके गाएंगे, तेरा कलाम जमाने में, अपने कदमों में खड़े हो जाएंगे, खुदा एक तो फिर कलाम जमाने में है खुदा वंदा जिस भी रूप में आया असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम जमाने में है खुदा वंदा न था वजू रूप में आया। हालेलुया। आए खुदा के कलाम की जोरदार ताली बजाएं और खुदा के बंदा के लिए भी भाई अरुण मैसेज देंगे, खुदावन उन्हें भी बहुत बरकत दी है, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। फिर खुदावन्द यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सब खुश हैं? आमीन। ऐसी खुशी के साथ हम कलाम की जानिब बढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर निकालें अब्रानियों के नाम खत और उसका 11वां बाब। अब्रानियों 11वां बाब और उसकी सिर्फ पहली आयत मुकद्दसा, जिसे खुदा का रूह बारता है वो तलावत करें। सिर्फ पहली आयत, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अजिंदा चलाली कदूस पाप अरबुल फौज बादशाहों के बादशाह, हमारे जिंदा खुदावन, हमारे मुदज्जी खुदावन, हे शाफी बाप, प्यार से भरे हुए आसमानी पिता, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए कि आज हम सब खुदावन
आपके यीशु नाम में मुत्तफिक होकर इस बात पर ईमान रख चुके हैं खुदावन कि जैसे आपने फरमाया कि फिक्र तुम खड़े हो जाना, बोलने वाले तुम नहीं पर क्या मेरे बाप का रूह है। आसमानी बाप, आज जो कलाम का हिस्सा तलावत किया गया खुदावन, इल्तजा करता हूं कुदूस बाप कि आपका पाक रूह हम सबों की जिंदगियों में इस कलाम के हिस्सा को कसरत से खोले ताकि हम सब जलाली भाप आपके जलाल में, आपके इरफान में, आपकी मर्जी में, आपकी कुवत में और आपकी रूहानी जोश में कसरत से बढ़ते रहें। ये सब कुछ आपके यीशु नाम में मांगते और पा चुके हैं। आमीन। आप सब तशरीफ रखें। हालेलुया। जी सब ध्यान देंगे और सामने देखेंगे। वक्त है कि हम अपने आप को कुदरती तौर पर खुदावन को सौंपें। मेरे अजीजों ये बहुत जरूरी है। हम जब भी चर्च आते हैं या किसी दुआया कन्वेंशन को अटेंड करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं दुआ के लिए, तो जरूरी अमर ये है जो शख्सी तौर पर आप करते हैं, हम सब करते हैं, हमें अपने आप को खुदावन के हवाले करना होता है। अब गो के हम सब जानते हैं कि हम तो अपने आप को सुपुर्द कर चुके हैं, लेकिन एक रस्मी या रूहानी इसे तरीका समझें तो आपको अपने लबों से इकरार करना होता है जब हम दुआ करते हैं कि खुदावन हम कुली तौर पर अपने आप को आपके सुपुर्द कर चुके हैं, ताकि जब हम आपकी आवाज को सुने तो उसे मिनुन तस्लीम कर सके और कोई इंसानी फहम काम ना कर सके। मेरे अजीजो जब ऐसा होता है तो फिर खुदा का जलाल जो हकीकी तौर पर कुछ जिंदगियों में जाहिर होता है और वो गवाही के लिए खड़े होते हैं, तो मेरे अजीजो हमारी जिंदगियों में सभी की जिंदगियों में गवाहियां आती हैं और हम भरपूर तरीके से सामने आते हैं। अब जो हमने खुदा का कलाम सुना अब्रानियों 11 बाब, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। आमीन। आज मेरा टॉपिक खुदा के बंदा की जो बुक मैंने तैयार की रीड की तो उसका टॉपिक है अ सुपर सेंस, एक आला एहसास, अ सुपर सेंस। आज हम बात करेंगे सुपर सेंस पर। आज हमने जो कलाम सुना कि हमारा ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, गोया ये सुपर सेंस फिक्र मसीहों के पास है। मेरे अजीजो हम ईमान रखते हैं कि खुदावन्द यीशु ने हमारे लिए जान दी, हम ईमान रखते हैं कि वो हमारे लिए जी उठा, वो आसमान पर चढ़ गया और पाक रूह उसने दूसरा मददगार हमारे लिए भेजा। आमीन। अब ये सब बातें हम ईमान रखते हैं, लेकिन हम इससे पहले अपने टॉपिक पर कुछ लम्हों के लिए गौर करेंगे कि आखिर ये उन्वान इसमें ऐसी क्या बात खुदा के बंदा ने बयान की है। हम इस आयत को तो मुतअद्दिद बार सुन चुके हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये जो उन्वान है अ सुपर सेंस, एक आला एहसास, अगर आप इसकी लफ्जी तारीफ सुने जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, अ पावर ऑफ परसेप्शन लाइक अकिन इनिशिएटिव पावर, अ पावर ऑफ परसेप्शन लाइक अदराक की ताकत, अदराक यानी कि अंदाजा करने की ताकत। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये जो ताकत बयान कर रहे हैं ये तो दुनिया में हर इंसान के पास हो सकती है, हो सकती है, हो सकती में और होने में फर्क है। आमीन। मेरे अजीजो जब मैंने आपसे ये कहा कि ये सुपर सेंस फिक्र मसीहियों के पास है, उस मसीह के पास है जो दोबारा पैदा हो चुका है, उस मसीह के पास है जो कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करता रहता है, करता नहीं करता रहता है,
तो मेरे अजीजों ये सुपर सेंस एक गहरी पहल की ताकत अकिन इनिशिएटिव पावर इसके लफ्जी तर्जमा है। एक गहरी पहल की ताकत, जब एक गहरी सोच हमारे दरमियान आ जाती है, हमारी फैमिली में एक सोच बरपा होती है, हमने अपने बेटे बेटी के लिए ये करना है वो करना है, इसके फ्यूचर के लिए ये सोचना है, ये एक सोच आती है, यानी ये एक पहल है। अभी आपने कुछ किया नहीं, अभी मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसके लिए ये करूंगा। इसका मतलब ये है कि एक सोच जन्म ले चुकी है, ये हो गया इसका लफ्जी मतलब, एक आला एहसास। अब ये सुपर सेंस जो हम बता रहे हैं कि ये मसीहियों के पास है, उसका रूहानी मतलब जिससे आप इत्तफाक करेंगे कि ये फिक्र मसीहियों के पास हो सकती है, मेरे अजीजो इसका जो रूहानी मतलब है वो इस आयत में वाजह होता है कि हम अनदेखी चीजों के सबूत को अपने सामने रख लेते हैं। हम जहां भी जाते हैं हम बात करते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु ने हमारे लिए जान दी, वो हमारे लिए आया। बास दुनिया के लिए ये काफी अचंभे की बात होती है, वो मानते हैं कि ठीक है वो आया था, लेकिन उसने सलीब पर जान नहीं दी, उसकी जगह किस कोई और सलीब पर चढ़ा। लेकिन हम जब बयान करते हैं तो हम उस सुपर सेंस के साथ, यानी उस ईमान के साथ, खुदा का बंदा सिखाता है कि ये जो सुपर सेंस, इसका रूहानी जो मतलब है वो ईमान है, वो उम्मीद है और वो पाक रूह का एहसास है। आमीन। अब आप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये सिर्फ मसीहों के पास हो सकता है, अगर मुत्तफिक है तो तालियां हो जाए जी। हम देखेंगे कि ये जो सुपर सेंस है जब हम में आती है, लेकिन हमारे पास और हवास भी हैं। हम पहले उनको देखेंगे, यानी जिस्म के जो हवास हैं। अब इस सुपर सेंस को छठी हिस भी कहते हैं, लेकिन इससे पहले उन पांच हवास की जानिब आपका मैं गौर चाहूंगा कि जो हमारे पास है, जैसे सुनना, देखना, सूंघना, बोलना, चखना। आमीन। ये हम सबों के पास है, हम इन तमाम हवास से जिंदगी में काम लाते हैं। अगर कोई हवास खराब हो जाए, सुन ना सके, तो काफी प्रॉब्लम का बाइस है। मेरे जीजो इन पांचों हवास को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी दुनियावी जिंदगी को गुजारने के लिए, लेकिन अगर ये पांच हवास, इनमें से एक हवास भी अगर खुदा के कलाम के खिलाफ हो तो फिर खतरनाक बात है। मेरे अजीजो खुदा के कलाम के खिलाफ कोई हवास भी काम कर सकता है। हमारी आंखें किसी को बुरी नजर से जब हम देखते हैं, किसी के लिए हम जब बुरा सोचते हैं या बोलते हैं, ये हवास गोया के बुरी राह पर चले गए, ऐसा ही। आमीन। मेरे अजीजो आज ऐसा होता है कि पांच हवास तो सबके पास हैं, लेकिन जब वो खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं, जब आपकी जुबान में गाली गलौच आ जाए, इसका मतलब है कि आप कलाम के खिलाफ चले गए। हवास तो खुदा ने आपको उसकी हमदो सना के लिए दिया, लेकिन ये हवास जो आपको खुदा ने दिया अपने लिए, जो एक दूसरे की भलाई के लिए, लेकिन ये गलत इस्तेमाल हुए। इसका मतलब यह है कि हमें किसी और हवास की जरूरत है, हमें चाहिए वो सुपर सेंस, वो छठी हिस जो हमें कलाम से मिलती है। मेरे अजीजो जब ये हवास खुदा के खिलाफ जाए तो हमें जरूरत है उस छठी हिस की, उस सुपर सेंस की। आज हम में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो शिफा नहीं पाते, क्यों मेरे अजीजो? क्योंकि वो शिफा अपने तरीके से हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने सुन रखा था कि मैं दुआ करूंगा और मुझे शिफा इतने दिन में, या आज भाई बहुत बरकत वाले हैं,
भाई सलीम से दुआ कराऊंगा आज इसी वक्त मुझे शिफा मिलेगी। आप भाई को जानते हैं लेकिन आप शिफा देने वाले को नहीं जानते। इसलिए मेरे अजीजों ये देखा गया है, यानी कि आज भी ऐसा है। अगर खुदा का बंदा तब बयान कर रहा था तो आज भी हम देखते हैं ऐसा ही है। आज हम में से बहुत से बीमार रहते हैं, रूहानी तौर पर जो दूर हैं दूर रहते हैं, कलाम असर नहीं करता। 20 साल हो चुके हैं कलाम असर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम अपने तरीके से जा रहे हैं। हमने उस छठी हिस्स को जो खुदा की तरफ से, वो छठी हिस्स नहीं कि भाई मैं तो अड़ना रह करने लगा सा, मन एहसास हो गया। ये जिस्मानी बात है, आप एक दूसरे के लिए कुछ सोचते हैं वो जिस्मानी बात है, लेकिन जब आप कलाम हर बात में सोचते हैं इसका मतलब यह है कि वो खुदा की तरफ से जो छठी हिस्स है, जो ईमान जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, वो बर्पा होने शुरू हुआ। मेरे अजीजों, वो अनदेखी चीजों का सबूत जब आपके अंदर आता है, फिर आप अपनी जिंदगी में देखते हैं कि वो छठी हिस्स हर बात में कलाम को याद कराएगी, वो सुपर सेंस आ जाएगी। भाई ये बात गलत है, बहन ये बात गलत है, कलाम ये कहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सुपर सेंस है। दूसरे ने ये बात क्यों नहीं की? भाई वो भी तो मसीही है, लेकिन मेरे अजीजों उसके पास वो सुपर सेंस नहीं जो आपके पास है। क्योंकि अगर सुपर सेंस यानी पाक रूह यानी ईमान जब अंदर होगा तो वो बाहर आएगा। आमीन। ऐसा ही है। खुदा के शुक्र तालियों मुझे। मुझे ऐसा लगता है कुछ लेजीनेस है, सुस्ती है कुछ। हालेलुया, हालेलुया जी। हमें एक्टिव होकर उस बात को रिसीव करना है, क्योंकि आज जब हम एक्टिव होकर खुदावन की तरफ ध्यान लगाएंगे, वो कि हमारे परसेप्शन में हमारे अदराक में बहुत सी बातें चलती हैं मेरे अजीजों, लेकिन जिसको ये सुपर सेंस, ये छठी हिस्स जो खुदावन के कलाम के मुताबिक है, जब वो मिलती है तो उसकी आंखें यहां वहां नहीं होती, उसके बैठने का अंदाज, उसके गेस्चर गड़बड़ नहीं हो सकते। उसे मालूम है कि वो सुन रहा है खुदा को। आज मेरा ध्यान हटा, जैसे खुदा के खादिम बयान करते हैं, वो मोती कहीं और गिर गया। मेरे अजीजों, जब हम इस छठी हिस्स को जो खुदा के मुताबिक है हासिल करते हैं, तो फिर क्या होता है? ईमान, कुव्वत और उसका जलाल और उसकी मामूरी हम वैसे महसूस नहीं करते जैसे हम पहले महसूस करते थे। अक्सर हम ये गुहाइयां सुनते हैं कि भाई ये बात मैं पहले महसूस नहीं करता था, ये जलाल ये मामूरी पहले महसूस नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि 5 हवास तो आपके पास थे, लेकिन ये छठी हिस्स जो खुदा की तरफ से है, जो सुपर सेंस है, वो आपके पास नहीं था। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हर एक मसीह को जो नाम का मसीह है, उसको भी जब तक वो नाम का मसीह, उसको मसीह में आने के लिए इस सुपर सेंस की जरूरत है। बहुत खूबसूरत एक बात बयान करते हैं खुदा के खादिम कि एक शख्स जो है वो एक मीटिंग में चला गया, वो कि वो मीटिंग जो है वो दुआइयां ना थी, वो कोई मोहल्ले की मीटिंग और जिस्मानी लोगों की मीटिंग थी और वो खुदा से दूर थे। और उनमें से कोई शख्स ये बोल रहा था कि खुदा के मुझसे अब ऐसे कुछ नहीं है, मैं तो खुदा को कहीं नहीं देखता। तो वो शख्स जो खुदावन की उस सुपर सेंस से मामूर होकर, पाक रूह से मामूर होकर उनमें चला गया था, उसने एक सवाल किया। उसने सवाल किया, भाई मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ये जो सेब मैं खाने लगा हूं, उसके हाथ में सेब भी था, ये खट्टा है या मीठा है? सेब खट्टा है या मीठा है? अब वो शख्स सामने वाला, वो के कलाम के खिलाफ बात कर रहा था, लेकिन उसके पास इंसानी अकल मौजूद थी,
उसने फौरन से खड़े होकर जवाब दिया, ए भाई मैं कैसे बताऊं, ये सेब आप खा रहे हैं इसलिए आप जानते हैं कि ये खट्टा है या मीठा है। तो उस शख्स ने आगे से जवाब दिया कि ए भाई यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि आप कैसे जानेंगे खुदा को जब तक आप खुदा के साथ नहीं चलते, आप कैसे उसके कलाम को जानेंगे जब तक आप कलाम को पढ़ेंगे नहीं, आप कैसे कलाम पर अमल करेंगे जब तक आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेने का इरादा नहीं करेंगे, आपको कैसे वो सुपर सेंस मिलेगी कि आप कहें कि आज भी खुदा मौजूद है, आज भी जब हम पुकारते हैं तो हमारे दरमियान आ जाता है और वो शिफा देने की कुव्वत रखता है, वो आज भी वही खुदा है क्योंकि कलाम सिखाता है कि खुदा यीशु कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको खुदावंद में वो मजा चखना होगा तो फिर ही आपको वो सुपर सेंस, वो छठी हिस्स, वो कुव्वत फराम हो जाएगी। आमीन। ऐसा ही तो खुदा के साथ तालियां बजाएं मेरे अजीजों। उस बात को लेने के लिए जब आप कहीं जाते हैं तो आपको जरूरत समर की है कि आप देखें कि खुदा ने आपको वहां क्यों भेजा। हमें आज जरूरत इस अमर की है कि अगर ये सुपर सेंस हमारे पास है तो हर जगह वो बाहर आएगा, क्योंकि खुदा यीशु जब अंदर होगा, अंदर जाएगा, अंदर जाने से मुराद कलाम है। जब हम कलाम पढ़ेंगे, कलाम सीखेंगे तो वो कलाम बाहर आएगा। मेरे अजीजों, अगर हम कलाम पूरे साल नहीं सीखते, हम कलाम कैसे बाहर किसी को बताएंगे, वो सुपर सेंस कैसे काम करेगी? क्या घर में बैठे रहने से काम करेगी? क्या आज तक हमने अपने उस ईमान को जिसे हम बड़े बबंगे दाम मजमा में खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारते हैं, बुलंद दुआएं करते हैं, हम बड़ी अच्छी खिदमत करते हैं, लेकिन क्या ये सुपर सेंस कभी बाहर बोली? क्या ये किसी दूसरे भाई बहन तक पहुंची? मेरे अजीजों, आज उस सुपर सेंस को बाहर आने की जरूरत है। अगर वो आप हासिल कर चुके हैं तो हमारी जिंदगी में हर बात मुमकिन होगी। आप कलाम में से देखें, आपको हर करैक्टर में, हर किरदार में वो कुव्वत, वो सुपर सेंस, वो छठी हिस्स मिलेगी। आप मार्था को देख लें, योहन्ना 11:21 में, अब उसने क्या कहा? उसने खुदावन यीशु को देखते ही कहा कि हे खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। ऐसा क्यों उसने कहा? ऐसी क्या बात उसे मिल गई थी कि उसने देखते ही खुदावन को पुकार उठी? उसने इंतजार न किया कि खुदावन कुछ बोले और फिर मैं बात करूं, उसने देखते ही कहा कि हे खुदावन तू अगर। ऐसा क्यों होता है मेरे अजीजों? मार्था के पास वो सुपर सेंस थे, वो सुपर सेंस जो फौरन इंतजार नहीं करती, फौरन से ईमान का इकरार करती है। अब नूह की कहानी को आप देखें। अब नूह को जब वो पैगाम मिला, तब इर्द गिर्द या दूर दराज तक कहीं भी कोई बारिश या पानी का कोई सिलसिला न था। हमने ये कहानी बहुत दफा सुन रखी है, लेकिन क्या हमने कभी ये गौर किया है कि नूह की तरह जब हमारी जिंदगी में कुछ हो ना रहा हो या नाकामियां हो, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन कश्ती बनाने में मसरूफ हो गए। नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी, सब हंसने लगे, बातें करने लगे, आवाजें कसने लगे। आज भी ऐसा होता है, आज भी उस कश्ती में जब आप जाने को होते हैं, यानी उस कलाम पर चलने की कोशिश में लगे होते हैं, तो आवाजें आती हैं, भाई आप क्यों इतने जोश में हैं? आप क्यों हर जगह कलाम की बात करते हैं?
लेकिन हम नू की तरह उस सुपर सेंस को रखते हैं, नू भी रखता था। आमीन। नू के पास वो सुपर सेंस थी, उसे मालूम था कि जो बात, जो कलाम मैंने रिसीव कर लिया है, उसकी सुपर सेंस उसे बताती है कि ये होगा तो अपने काम पर लग जा। हम उस औरत को देखेंगे जिसका नाम हन्ना है। जब उसके पास औलाद न थी, वो जगह जगह गई होगी। अगरचे ये लिखा नहीं, लेकिन एक रूहानी ख्याल है कि उसने बहुत से तबीबों के पास जो है मशवरा किया होगा, बहुत सी दुआएं भी की। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो हैकल में मौजूद होती है और वो सुपर सेंस काम करने शुरू हो जाती है। कैसे? वो दुआ करती है, इतनी दुआ करती है, इतना मगन हो जाती है कि वहां पर मौजूद काहिन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये औरत शायद नशा में है, ये औरत होश में नहीं। अब उस औरत का वो वक्त याद कीजिए, उस माहौल को अपने सामने रखें कि कितनी दुआ में वो मगन थी। उसे ये मालूम न था कि मेरे साथ बहन नूरीन बैठी है, वो क्या कहती होंगी कि मेरे आंसू निकल रहे हैं। उन्हें ये कत्ल इशू नहीं था कि मेरे पास भाई सलीम है, मैं उनसे ऊंची दुआ नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो मगन थी, वो सुपर सेंस काम कर रही थी। आज आज मेरे अजीजों, हम बहुत सी बातों में शर्माते हैं, दुआया माहौल में बढ़ने से शर्माते हैं, हालेलुया बोलने में शर्माते हैं, बार बार तालियां बजाने में शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुपर सेंस जिसका दावा हम करते हैं, क्योंकि ईमान का दावा हम सब करते हैं, लेकिन जब सुपर सेंस के इजहार का वक्त होता है तो हम अपनी वो बुजुर्गी, अपनी वो हिकमत का इजहार करना शुरू करते हैं। जबकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो सब के लिए यकसा है, वो बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक यकसा है। अगर बच्चे तालियां बजाएंगे तो बुजुर्ग भी बजाएंगे, अगर बच्चे वर्शिप करेंगे तो बड़े भी करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए यकसा है। आज हम अपनी सोच को आगे रखते हुए अपने आप को रोकते हैं, वो कि उस सुपर सेंस को जो खुदा आपको दे चुका है। आमीन। कैसे दे चुका है? क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है, अजल से सवा किया हो बनो, हम सब चुने जा चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है। फिक्र आपके इजहार की जरूरत है। मेरे अजीजों, आप दानियल को जानते हैं, हमने बहुत दफा सुना कि दानियल को शेरों की मांग में डाला गया, हम सबों को याद भी है। मैं आपके इस नुक्ते पर नजर करवाना चाहता हूं। हालेलुया। जब वो परवाना मौत का जब उसके पास आया, उस तक पहुंचा, लोग उसके पास आए, तो बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि दानियल पर अफसुर्दगी छा गई, दानियल परेशान हो गया, या दानियल कहीं आगे पीछे होने लगा। क्या ऐसा लिखा है? आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं इस बात की तरफ आपका गौर चाहूंगा कि दानियल पर जब वो मौत का परवाना आया तो दानियल घबराया नहीं, उसने अपनी जुबान से कोई घबराहट की बात नहीं की, क्योंकि उसके पास वो सुपर सेंस थी, वो जानता था कि मुझे मेरा खुदा बचा सकता है, वो जानता था, इसलिए वो खामोश था। क्यों? क्योंकि उसने अपने ईमान का इजहार खामोशी के साथ किया। आज हम बोलने को अपना ईमान और हिकमत समझते हैं। अगर खादिम कोई बात कहता है तो हम आगे से बोलना हिकमत समझते हैं, गो के हमारे पास सुपर सेंस भी है। लेकिन वो सुपर सेंस कहां जाती है? जब आप अपने चरवाहा से, अपने उस्ताद से जब बात सुनते हैं तो आपकी हिकमत
उसको अमल करने में है। अगर वो सुपर सेंस होगी तो वो खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करने को तरजीह देगी। लेकिन आज क्या होता है मेरे अजीजों, जब आप अपनी हिकमत से चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस बात को भूल चुके हैं कि जिसने मेरे भेजने वाले को कबूल किया उसने मुझे कबूल किया। आमीन, ऐसा ही है। तो जब हम मेरे अजीजों खुदा के खादिम से सुनते हैं और अगर हम उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, देखा गया अक्सर ऐसा, इसका मतलब यह है कि आप इस आयत पर जो है ईमान नहीं रखते। आप ये ईमान नहीं रखते कि खुदा के खादिम के अंदर से खुदा बोलता है। आप अपना तरीका बताना चाहते हैं, गो कि आपको 40-50 साल खिदमत में हो चुके हैं, अच्छी बात है, या आपको साल हो चुका है और खुदा ने आपको बहुत सी नेमतें दे रखी है, अच्छी बात है, लेकिन आप तरतीब को भूल चुके, इसका मतलब है सुपर सेंस काम नहीं कर रहा। आप खादिम को सिखा रहे हैं, इसका मतलब है सुपर सेंस काम नहीं कर रहा। भाई आप ये बात कहते हैं इस बात को ऐसे कीजिए, इसका मतलब है सुपर सेंस काम नहीं कर रहा। चाहे आप बहुत सा कलाम जानते हो, चाहे आप बहुत समझदार हो, लेकिन कलाम तो ये कहता है कि खुदा के खादिम दो चंद इज्जत के लायक है। हम खुदा के खादिम के साथ आपका क्या रिश्ता है ये कतन कलाम नहीं कहता। खुदा का कलाम सिर्फ ये सिखाता है कि बोलने वाला तू नहीं मेरे बाप का रूह है। आमीन। तो क्या बाप का रूह बोलेगा तो आप उसे सिखाएंगे? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं तो फिर तालियां बजाए जी। आपकी तालियों की गूंज से भी मालूम हो जाता है कि आप किस कदर कलाम को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि जब हम जितने एक्टिव होते हैं और जितनी बात से मुत्तफिक हो रहे होते हैं, बोलने वाला ही उतने ज्यादा अच्छे तरीके से जो है उस कलाम को आगे लेकर चलता है। गो के खुदा का पाक रूह बातों को बयान करता है। हम अक्सर जो बातें पढ़ते और जो कलाम के लिए तैयार करते हैं पुलपट पर आकर वो बातें तब्दील होती हैं, क्योंकि वो खुदा का कलाम पूरा हो रहा होता है कि खुदा का पाक रूह हम सबों से भी बयान कर रहा है सब कुछ। तो मेरे अजीजों, हम जितना अच्छे तरीके से जवाब देते हैं तो उतना अच्छे तरीके से मालूम होता है कि कलाम रिसीव हो रहा है। अब मैं आपका ध्यान खुदा के बंदा पौलुस की जानिब मुलव्वस करना चाहूंगा। हम सब पौलुस रसूल को जानते हैं, हम सब उसे जानते हैं कि वो कहां से था। हमने बहुत दफा सुन रखा है कि उसने अपने बारे में एमाल 22 बाब में बताया है कि मैं यहूदी हूं, कलकिया के शहर तरसुस। अब ये कलकिया जो है सूबा था, जैसे पंजाब सूबा है, और उसके शहर तरसुस का वो रहने वाला था। गमलीएल के कदमों में उसने जो है तालीम पाई और वो बाप दादा की शरीयत पर पाबंदी के साथ अमल करता था। हम सब ने सुन रखा है, लेकिन मेरे अजीजों, हमने ये भी देख रखा है कि एक दिन वो सुपर सेंस उस पर तलू होती है। खुदा ने उसकी तमाम उस तालीम के बावजूद जो आपके पास आज तालीम डिग्रीज हिकमत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने उसे बताया कि तुझे कुछ और भी चाहिए। आमीन आमीन। सारे नहीं बोलते खैर, आमीन जी। ऐसे दुआ को बरकत दे मेरे अजीजो। जब हम देखते हैं पौलुस रसूल को तो वो एक जबरदस्त यहूदी, जबरदस्त स्टूडेंट था, वो अपनी शरीयत के मुताबिक जबरदस्त चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि खुदा एक दिन उस पर आया कर देता है कि तुझे एक और बात की जरूरत है। वो सुपर सेंस उस पर तलू होती है, वो नूर उस पर तलू होता है, और उसकी वो छठी हिस उसे बताती है कि वो मसीह जिसे तू बिद्दत समझता है, वो मसीह जिसे तू रोकता है, वही तो तेरी जिंदगी है और उसे तूने दूसरों के लिए लेकर जाना है। आज भी ऐसे होता है। यीशु मसीह के नाम
के बपतिस्मे को बिद्दत करार दिया जाता है। आज हम डॉक्टर्स और बिशप्स से हम कलाम सुनते और पुकारते हैं, वो फला बिशप तो ये बात करते हैं। भाई क्या आप ज्यादा समझदार हैं? नहीं, हम समझदार नहीं। ये कलाम हमारे पास्टर शहजाद का नहीं, ना ये भाई साबर का है। मेरे अजीजों, आज हमें ये बताने की जरूरत है कि जैसे पौलुस के पास वो सुपर सेंस आया तो उसकी वो सालों की मेहनत रायगा हो गई, वो कि उसकी तालीम पेशन गोइयां उसे बाद में समझ आई, जब वो सुपर सेंस वो छठी हिस उस पर तलु हुई। अब वो एक जगह ये भी अपनी गुहाई में इमाल की किताब में बयान करता है कि मेरे साथियों ने उस रोशनी को तो देखा लेकिन उस आवाज को ना सुन सके जो मैं सुनता था। आज भी एनजीओ होता है, आज भी हम सब इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे कलीसियाई तौर पर शामिल होते हैं, हम एक घर में इकट्ठे रहते हैं, लेकिन हर एक का ख्याल मुख्तलिफ होता है। लेकिन हमें जरूरत इस अमर की है कि आपका जिस्मानी ख्याल चाहे मुख्तलिफ हो लेकिन रूहानी पस मंजर जो है, सोच जो है, वो कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप कलाम के मुताबिक नहीं तो इसका मतलब यह है अभी तक उस सुपर सेंस को आपने हासिल नहीं किया। हमें सोचना होगा कि अगर हमारे पास ये सुपर सेंस है तो फिर खुदा का कलाम ये सिखाता है कि तमाम दुनिया में जाओ और अंजील की मुनादी करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो क्या हमने की? हमें बहुत साल हो गए, हमने बहुत किताबें पढ़ी, अच्छी बात है किताबें पढ़ना चाहिए, हमने नबी की बातें सीखी, अच्छी बात है सीखनी चाहिए, लेकिन क्या आपने आज तक किसी से यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मे पर बात की? ओ भाई जी टाइम नहीं है, पास्टर शहजाद टीम है ना करण से, क्या आप खुदा के बेटे बेटियां नहीं? अगर हम ये कहते हैं कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम हर रोज दुआ करते हैं, हमारी पूरी फैमिली बहुत कमिटेड है, माजरत के साथ कमिटमेंट तो खुदा कुछ और है, खुदा में कमिटमेंट तो कुछ और है। वो तो ये कहता है कि तेरे पास जो एक तोड़ा था वो तूने क्यों साहूकारों को ना दिया? ऐ सुस्त और बददियानत नौकर, तूने अपने तोड़े को क्यों दबा रखा? भाई जी बच्चे आस्ते भी तो कमाना, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं टीम का हिस्सा नहीं, तो क्या हुआ? क्या आप खुदा का हिस्सा हैं? क्या आज तक आपके पास ये गवाही हुई कि मैंने फला बहन या फला भाई से बपतिस्मे पर बात की? अब सिर्फ बपतिस्मा नहीं, बहुत सी बातों पर भी हम साथ बात कर सकते हैं। मेरा मतलब हरगिज ये नहीं कि सिर्फ आप एक टॉपिक बयान करें। खुदा आपको तब बताता है जब आपके अंदर ये सुपर सेंस काम करने शुरू होती है और वो सुपर सेंस आपके अंदर ये पुकारती है, क्या खुदावन मैं क्या बात करूं, मैं अपने इस भाई महन अजीज से क्या बात करूं? वो कब होता है मेरे अजीजो? पौलुस की तरह जब वो सुपर सेंस मिल जाती है। अब पहले तो वो मसीह को बिद्दत तसव्वुर करता था, लेकिन जब वो सुपर सेंस मिली तो फिर उसने क्या कहा? मैं खुदावन यीशु का कैदी हूं, मैं मसीह में कैदी हूं। आमीन। अब वो मसीह का कैदी है, भाई उन मसीह का कैदी था, जिथे जाएगा वो एक ही गाल करेगा। इसका मतलब ये है कि आज हमने कलाम बहुत सीखा, हम दुआएं बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कैदी अभी तक होना नहीं चाहते। सुपर सेंस कहने को मिल चुकी है लेकिन सिर्फ कहने को, लेकिन उसका इजहार आज तक पुलपट तक नहीं आया। आज तक हम कभी भी खड़े होकर अपने अहवाल बयान जरूर करते हैं कि मैं बीमार था, मेरा अजीज बीमार था और वो ठीक हुआ और भैया मैं मिठाई भी लेके आया, लेकिन आज तक
हम ये क्यों जो है गवाही ना दे सके कि हमने खुदा के कलाम को शेयर किया। आज हमने एक भाई को गाली देने से रोका, आज हमने एक भाई को सिगरेट पीने से मना किया। हम फलां शादी पर गए, वहां पर बहुत से बहन भाई डांस करते पाए गए, लेकिन मैंने ना किया। और पूछने पर उनको बताया कि भाई जी असी तो मसीह ने कह दी हाँ आमीन, ऐसा है हम कर सकते हैं आमीन। मेरे अजीजों, हम जब कहीं जाते हैं तो अगर हम खामोश हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सुपर सेंस अभी तक उजागर नहीं हुआ। अगर आज तक आप किसी के साथ कलाम शेयर नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि वो सुपर सेंस काम नहीं किया, क्योंकि आपने कलाम फिक्त पढ़ना और रस्मन चर्च अटेंड करना जारी रखा है, जो कि कतन भी खुदा का बंदा भी ये अपनी किताब में बयान करता है कि आप किसी भी कलीसिया से हो, एंटर मैसेज बिलीवर्स होने से कतन ये मतलब नहीं कि आप उठाए जाएंगे। या कोई भी आपका जबरदस्त पास्टर हो, कतन भी इस बात का सबूत नहीं कि आप उठाए जाएंगे। आपके पास बड़े से बड़ा मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी हो, कतन इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप उठाए जाएंगे। आप कलाम बहुत पढ़ते, हर सवाल का जवाब देते हैं, कतन इसका ताल्लुक नहीं कि आप उठाए जाएंगे। गो के सीखना अच्छी बात है, कलाम सीखेंगे तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, लेकिन उस सुपर सेंस को आपने अमली जामा ना पहनाया तो इसका मतलब यह है कि अभी भी बात अधूरी है। क्योंकि खुदा का बंदा ये बयान करता है कि आप कुछ आयात पढ़ते हैं और आपके अंदर एक लफ्ज पर आप खड़े हो जाते हैं, एक लफ्ज, सारी आयत नहीं, एक लफ्ज पर आप खड़े हो जाते हैं और फौरन से अंदर से आवाज आती है ये बात, और फौरन से आपके वहमो गुमा में बात जो है वो मिलने शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है वो आपके पास है, वो सुपर सेंस आपके पास है, उसे बाहर आने दे, बात करें, खुदा के कलाम को पूरा करें। आप जिस हैसियत में भी है उसको पूरा करें, आप काम पर जाते हैं उसे पूरा करें, आप स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं उसे पूरा करें। उस बात को खुदा का बंदा कहता है कि आप अपने सामने रख लें, लिख लें, नोट कर लें, मैंने वहां जाकर ये बयान करना है। रिश्तेदार च गए हो, नहीं जी कलाम की कोई गल नहीं कर सके, बड़े अपने मसाइल से, तो जो हमारा हल ही मुश्किलात है उसे आपने क्यों ना याद किया। आपको चाहिए था कि आप उनके दरमियान अपने हल ही मुश्किलात को पुकारें, आप खुदावंद को पुकारें उनमें और उनको कलाम की तसल्ली दें। आपने हिकमत की बहुत सी बातें की, लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि हिकमत की 4000 बातें करने से बेहतर यह है कि 4 या 5 खुदा के कलाम की बात करूं, ताकि उस जिंदगी को निजात मिले, ताकि उस जिंदगी आसूदा हो और आप में वो सुपर सेंस बढ़े। क्योंकि आप जब इम्साल की किताब पढ़े तो उसमें साफ लिखा है सैराब करने वाला सैराब होता है। आमीन। आज तक असा किसी ने शराब ही नहीं किया, शराब कितों होने, हम बहुत कामयाब हैं, अच्छी जिंदगी है, सब अच्छा मिल रहा है, बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियों की फिक्र है, नौकरियों की फिक्र है, सुपर सेंस कहां गई। तो फिर वो खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्तमाल और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसकी बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। आमीन। बुजुर्गों के हक में वो जो अच्छी गवाही दी गई है, आप क्यों नहीं चाहते कि आपके हक में भी वो अच्छी गवाही हो? आप क्यों नहीं चाहते कि आप भी भाई सबर की तरह, भाई नवीद की तरह, भाई सलीम की तरह कलाम की बात करें? क्या ये फिक्त पास्टर शहजाद की ड्यूटी है? आप भी खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप सब कुछ हासिल कर चुके हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, आपकी जिंदगी में कामयाबियां भी हैं, तो आपका हाल तो फिर उस शख्स की जानिब है।
बहुत खूबसूरत बात एक आखिरी खुदा के बंदा ने बयान की, एक कहानी छोटी सी जो कि बाइबल में नहीं लिखी। आज ये भी बहुत इश्यू है कि हम इस बात पर तो बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई जी बाइबल से नहीं लिखा, लेकिन उसके अगराजों मकासद को ध्यान में नहीं रखते कि पुलपट पर जब बयान की जा रही है वो उसकी किस बात की तरफ तलकीन है। क्योंकि जब आप बयान करते हैं, जैसे खुदा का बंदा विलियम ब्रैनम बहुत सी कहानियों में कलाम को बयान करते थे, ये इसलिए है मेरे अजीजों के कलाम के साथ उन कहानियों को जोड़कर तमाम जो मजमा है उसको अट्रैक्ट किया जाए और कलाम की बात समझाई जाए। सानू ये गल्लां ते बड़ियां पता ने, पैजिया नहीं लिखा तो जब उसका आखिर में मकसद बयान किया जाता है हम उस मकसद को क्यों नहीं लेते, हम क्यों उस बात को अमल करने से कासिर हैं। मेरे अजीजों ये तभी मुमकिन है जब हम खुदावंद में दोबारा पैदा होते हैं, रीबोर्न क्रिश्चियंस, उस छठी हिस्स को सुपर सेंस को जो हासिल करता है वही ये समझता है। अब मेरे अजीजों बात कुछ यूं है, ये रूहानी ख्याल है खुदा के खादम का। एक शख्स था, उसको एक फूल मिला और वो फूल बहुत ही करामाती था, वो बातें भी करता था। अब उस फूल ने उस शख्स को एक बात कही, क्या भाई, हाँ जी सब तवज्जो करेंगे, भाई मांगिए आपको क्या चाहिए कि मैं आपके लिए करूं। अब वो शख्स जो बहुत परेशान भी था, बहुत जरूरतमंद भी था, आज मेरे अजीजों उन सभी हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए ये बात है। हम सब कुछ पाते हैं, हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं और उसकी तगड़ों में लगे रहते हैं। तो ये कहानी हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि उस फूल ने कहा कि भाई आप मांगिए जो चाहते हैं आप कि आपको मिले वो आपके लिए मैं करूं। तो उसने कहा भाई उस फला पहाड़ में बहुत सा खजाना है, बहुत से हीरे जवाहरात हैं, आप ऐसा कीजिए कि वो पहाड़ मेरे लिए दो हिस्से हो जाए। अब उसकी वो बात, वो कि वो शायद जानता था कि ना पूरी हो, लेकिन उस फूल के ने कहा कि जाओ उस पहाड़ के पास। और जब वो उस पहाड़ के पास जाता है तो वो पहाड़ खुल जाता है, वो पुकारता है फिर से कि भाई जा ले ले, और एक बात याद रखना कि मुझे हमेशा अपने साथ रखना, मुझे खुद से जुदा ना करना। अब मेरे अजीजों पहाड़ खुलता है, वो सारी चीजें उसे नजर आती हैं, सोने की ईंटें पड़ी हैं, हीरे जवाहरात पड़े हैं। अब उसके हाथ खाली नहीं है क्योंकि उसे वो तमाम चीजें हासिल करनी है, उठानी है। तो वो क्या करता है, वो पास पहाड़ से बाहर एक चट्टान है जैसे हारमोनियम है, इसके ऊपर वो उस फूल को रख देता है ताकि मैं अंदर जाके कुछ उठा सकूं। भाई हाथ खाली होंगे तो कोई चुकेगा ना कुछ, ऐसा ही है। आमीन। अब क्या होता है कि वो जाता है और दो सोने की ईंटें उठा लेता है, वो बाहर आता है और उसके पास दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाती है, क्योंकि दौलत के साथ शोहरत भी आ जाती है। अब वो क्या करता है, फिर से गया, उसने एक हीरा उठा लिया और दौलतमंद हो गया। लेकिन मेरे अजीजो वो एक गल भूल गया जे, वो फूल नू उथे ही भूल गया जे, उस फूल को उसने नहीं उठाया जिसने कहा था कि मुझे खुद से जुदा ना करना। आज मेरे अजीजो वो फूल क्या है, वो फूल ये खुदा का कलाम है, वो फूल हमारा खुदा यीशु है जो आपसे पुकारता है कि तू मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे पास आ तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। आज वो भी फूल पुकारदा जे, वो कहंदा जे मेरे तो जुदा ना होना, वो कहंदा जे मेरे को ला, वो सामरी और तू कहंदा मेरे को ला जिंदगी का पानी, वही हीरे जवाहरात उस जिंदगी के पानी में छुपे हैं। आज हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन उस फूल को हम छोड़ देते हैं, उस फूल को कहीं रख देते हैं शेल्फ के ऊपर,
वो कि यीशु तो हमारे अंदर तब हो जब हम यीशु को बाहर आने दें। अगर यीशु बाहर ही नहीं आ रहा तो कैसे वो फूल आपके पास है? आपने उस फूल को किसी संदूक में छुपा रखा है। जब कोई बड़ी मीटिंग होगी, खाने में इकट्ठे होंगे, तो मैं बताऊंगा, मुझे इतने साल खिदमत में हुए और मैं बयान करूंगा, दुआ करूंगा, लीड करूंगा, वर्शिप करूंगा, लेकिन दुआ खत्म, फूल वापस अपनी जगह पर। लेकिन वह फूल तो कहता है कि मुझे अपने पास रख, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजो, आज जरूरत इस अमर की है कि हम खुदा के कलाम को, खुदावन को अपनी अमली जिंदगी में लाएं। जब तक हम अमली जिंदगी में नहीं लाते तो उस नौकर के पास जिसके पास एक तोड़ा था, हमारी हालत वैसी ही है। चाहे आप बहुत अच्छे हों, गैर कौम जो है उनमें भी बहुत अच्छे परहेजगार लोग मौजूद हैं जो दूसरों के साथ बहुत अच्छा करते हैं, खाने खिलाते हैं, पैसे भी देते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, लेकिन उनके पास वो फूल नहीं, वो यीशु, वो जिंदा कलाम जो मसीहियों के पास है, जो सुपर संत मसीहियों को अता हुई है, वो उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये इकरार किया है वो हमारे पास है, हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आता, उन्हें छुपा के रखा है, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास दुनियावी बातों के लिए बहुत वक्त है। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक खुदा का कलाम पूरे तौर पर आपकी जिंदगी में अमली तौर पर नजर नहीं आता, वो छठी हिस्स कैसे काम करेगी? जब आपके पास वो सुपर सेंस होगी तो फिर इब्लीस आपके कान में कह सकता है कि फलां भाई नू वेखी किंजदा, फलां बहन को देख वो किस तरह का है। लेकिन वो सुपर सेंस आपके अंदर से बोलेगी कि उस पर ध्यान मत दे, उसे खुदावंद के हवाले कर। तरीके कार ये है कि खुदा के कलाम पर अमल कर, उसके लिए दुआ कर। एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, एक लफ्ज भी मत करें। खुदा का बंदा इस मैसेज में बयान करता है कि आप एक लफ्ज भी मत कहें, आप उसे खुदावंद में दें, तब फिर देखें। जैसे आप किसी का गलत रवैया देखते हैं तो आप नादिम होते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्से में भी होते हैं। ठीक है, हम पहले ऐसे होते थे, मैं भी ऐसा था, लेकिन जब आपको वो सुपर सेंस मिल चुकी है तो वो सुपर सेंस पुकारती है कि सैमुएल क्रेग, जिसे इसराइल ने बादशाह का जो है वो दावा किया कि बादशाह ने हमें खुदा से ये बात कर और सैमुएल ने मुंह बिगाड़ा, तो फिर खुदा ने क्या फरमाया कि तू क्यों अफसरदा होता है, तेरा मुंह क्यों नाराजगी का इजहार करता है, उसने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे रद्द किया है। तो मेरे अजीजो, हमें आज इस अमर की जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को हर पल अपनी जिंदगी में अपने बहन भाइयों तक लेकर जाएं। हम इबलीस की किसी भी बात पर, इबलीस की बात वो है जो आपको एक दूसरे के लिए उकसाती है, आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो सुपर सेंस है जो आपको सिखा देती है कि हमें याद रखना है कि गुस्सा कर पर गुनाह ना कर, और तेरी खफगी सूरज दिन ढलने से पहले जाती रहे। हमने किसी की बुरी बात को देखकर किसी दूसरे से बयान नहीं करना, क्योंकि हमारे पास वो सुपर सेंस है, वो पांच आवाज वो के चाहेंगे कि मैं फौरन से भाई अकील के साथ बात करूं कि भाई समर ने ये किया, मैं जल्दी से बात करूं कि ये बात हुई कलीसिया में, लेकिन इन पांचों आवाजों को रोकें सुनने से, बोलने से, देखने से, और फौरन से उस छठे इसको, उस सुपर सेंस को काम करने दे जो कहता है कि दुआ कर, दुआ कर तो तेरा भाई बच जाएगा। मेरे अजीजों, आज हमने ये देखा कि खुदा जब वो सुपर सेंस
फराहम करता है। तो हमने देखा कि बुजुर्गों के हक में वो अच्छी गवाही दी गई। हमने बहुत से किरदार देखे जिनके पास आप जानते भी हैं, बहुत से ऐसे किरदार जिनको अब आप देखना शुरू हो चुके हैं कि उन सबके पास सुपर सेंस था, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो सुपर सेंस काम करता था, बाहर आता था। ते अगर साड़ी जिंदगी च वो सुपर सेंस बाहर नहीं आ रहा तो जरूरत हमें इस बात की है कि हम उस पर जल्दी से अमल करने की कोशिश करें, आज ही अमल करें उस पर, ताकि ऐसा ना हो कि आज शायद आखिरी वक्त हो, शायद आज वो आखिरी सांसें चल रही हैं, शायद आज आप उस बात को सोचें कि मेरा भाई नाराज हो जाएगा लेकिन मैंने उसे जिंदगी का कलाम शेयर नहीं किया, मैंने यीशु नाम का बपतिस्मा शेयर नहीं किया क्योंकि ये नाराज हो जाएगा। मेरे अजीजों आज ही वो वक्त है कि हमें ये सोचना है कि खुदा के उस दिए हुए सुपर सेंस को, जो पाक रूह है, जो ईमान है, वो अमली जिंदगी में हमारे आना चाहिए, ताकि हम, क्योंकि खुदा के कलाम में साफ लिखा है अब्रानियों यही दसवां बाब जब आप देखते हैं 11 से ऊपर, तो लिखा है कि ईमानदार ईमान से जीता रहेगा। अब ये सुपर सेंस जो उसके पास है ये उससे जीता रहेगा। अगर हमेशा की जिंदगी जीनी है तो फिर इस सुपर सेंस को काम में लाइए, कलाम को अमल में लाइए, दूसरों तक लेकर जाइए, ताकि हम खुदा के उस ईमान से जो मिला है हकीकी तौर पर अपने आप को खुदावंद की आमद के लिए तैयार कर सकें और लायक तौर पर उसके बेटे बेटियां बन सकें। खुदावंद यीशु इन तमाम कलाम की बातों के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन।